जय हिंद दोस्तों। दोस्तों यहां पर यदि आप एक बात को ध्यान दें तो जब भी कोई मौका आपके हाथ में आए, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आए तो उसको पकड़ लो, उसको जाने मत दो। बस ये है कि ये जो मौके हैं बार बार आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यदि आप ITI वाले स्टूडेंट्स हैं, आपने यदि ITI की है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर है। और यहाँ पर जो वैकेंसी दी है ये एकदम गवर्नमेंट जॉब है, और यहाँ पर आपको जो मिलने वाली वैकेंसी है, ये वाली जितनी भी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस वैकेंसी के बारे में, इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। मतलब ये है कि एकदम सीधी भर्ती है, केवल आपको अपने नॉलेज के बेस पे जो भी पूछताछ होगी, जो इंटरव्यू होगा उसी के बेस पे सीधी आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। यदि आपने ITI की है तो, ITI आपने नहीं की है तो ये जो वीडियो है ये ITI वाले स्टूडेंट्स को या आपके ग्रुप में जहाँ पर भी व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दे ताकि हो सकता है जिसने ITI की है उसको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो ITI वाले स्टूडेंट यहाँ पर देख ले ध्यान से, छोटा सा वीडियो है। अब यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। किसने निकाली? तो NMDC ने यहाँ पे भर्ती निकाली, सीधी भर्ती एकदम, ठीक है। कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई कुछ भी नहीं यहाँ पे। अब NMDC क्या है तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर देख लो, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये है इसका फुल फॉर्म, किसका? NMDC का, नेशनल मिनरल कॉरपोरेशन, ये डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको देखना है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपको जो पोस्ट मिलने वाली है वो पोस्ट का नाम क्या है, तो वो पोस्ट का नाम क्या है? अप्रेंटिस। क्या है? अप्रेंटिस। अब इसी में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। अप्रेंटिस मतलब ये आपके जॉब का नाम है, आपके पोस्ट का नाम है, ठीक है। दोस्तों यदि आप ITI वाले स्टूडेंट्स हैं तो एक बात यहां पर विशेष का ध्यान रखें, ठीक है। यदि आपको ये बोला जाए कि आपको यहां से वहां पर एक ऑफिस है, उस ऑफिस में आपको जाना है और ITI में उस उनके विभाग की, मतलब आपके विभाग की जॉब निकली हुई, ठीक है, और वहां पर जाने से आपको जॉब मिल सकती है, मतलब वहां पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, ठीक है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाना है और आपको इंटरव्यू देना है और उसी के बेस पे आपको जॉब मिल जाएगी, तो क्या करेंगे? तो सीधे जाएंगे अपन, ठीक। तो इस तरीके से अब यहां पर ये भी जो वैकेंसी निकाली है NMDC ने, ये भी कुछ ऐसे ही है, मतलब सीधी भर्ती है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, सीधा आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, इंटरव्यू देना है और अपनी जॉब लेना है, ठीक है। तो बात करेंगे यहां पर वो जॉब है वो कौन सी है, या फिर NMDC जो भर्ती है, NMDC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। देख लो यहां पे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है? NMDC का फुल फॉर्म है, ठीक। अब ये एक विभाग है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है। अब फिर यहां पे जो पोस्ट निकाली गई है, जो जॉब निकाली गई है, उस पद का नाम क्या है, उस पोस्ट का नाम क्या है? तो अप्रेंटिस है ये पद का नाम। ITI आपने किया है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें, चलिए तो यहां पर ये आवेदन है, आवेदन कब से प्रारंभ है? तो 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 1 फरवरी, ठीक है। तो आज कितनी हो गई? आज 5 फरवरी हो गई है, तो 1 से स्टार्ट है, मतलब फॉर्म अभी डल रहे हैं, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 22 तक ये आपके फॉर्म डलेंगे, 22 फरवरी तक, ठीक है, ये वाला है, ठीक। अब इसके बाद में वैसे तो यहाँ पर क्या है कि 26 तारीख तक इंटरव्यूज के होंगे, तो उस दिन भी आप फॉर्म डाल के जाके ना इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है, ठीके? लेकिन यहाँ पर इसका टाइम है क्या है कि ये 1 फरवरी से 22 फरवरी तक, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर बात करें कि इसकी जो फीस होगी वो फीस कितनी होगी, वो टोटल पोस्ट कितनी होगी, तो आपको फॉर्म भरने पर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई फीस आपको नहीं लगने वाली, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर फीस क्या है? फ्री है एकदम, फीस नहीं लगेगी आपको, फ्री, ठीक, ये है। अब यहाँ पे फ्री हो गया ये। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पे 120 पोस्ट है, कितनी है? 120 पोस्ट है ये वाली, ठीक, ये है। और बाकी यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, देख लो यहाँ पे 15 से 24 वर्ष वाले स्टूडेंट डाल सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने की है ITI, और इंटरव्यू की डेट है 22 से 26 तक। और बाकी आपको बहुत डिटेल में जानकारी आवश्यकता है जानकारी की, तो यहाँ पे इस साइट पर जाना है nmdc.com.in पर, और वहाँ पे जाके डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, और बाकी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दें ताकि हर एक स्टूडेंट इसको देख पाएँ, ITI वाले को फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जय हिंद।